So welcome to the session. Today is lecture number 12 of Pathway to Digital World. Unfortunately, हमारे कुछ sessions active नहीं रहे. They have been just casual discussion sessions. So, but I hope you all enjoyed them as well. और आज हमारा जो session है, so let's formally have a start with the digital skill. सो आज की डिजिटल स्किल बहुत ही कॉमन है, दैट इज़ गूगल फॉर्म्स. ऑब्वियसली गूगल फॉर्म एक टूल है, लेकिन पहले मैं जो है ना आपको थोड़ी सी इसकी साइंस एंड आर्ट बताना चाहता हूँ कि फॉर्म्स का चक्कर क्या है. देखिए, फॉर्म बनाए जाते हैं डाटा कलेक्शन के लिए, ठीक है. और ये इनका मतलब क्यों ज़रूरत पड़ी फॉर्म्स बनाने की, आमतौर पर वो लोग ख़ास तौर पर जिन जिस वक्त स्टैटिस्टिक्स का काम करते हैं. स्टैटिस्टिक्स पहले मैथमेटिक्स की ब्रांच थी, और जब ये लोग मैथमेटिक्स से अलग हुए, मतलब एक इनकी अलग एक डिपार्टमेंट या एक अलग इनकी डोमेन बनाई गई, एक अलग एरिया ऑफ स्टडी बना, तो इनका काम था कि डाटा की एनालिसिस करना. सो देन फिर ये जैसे जैसे डाटा एनालिसिस और डाटा साइंस की डोमेन को बूम आता गया, सो पीपल हैव बिन वर्किंग ऑन इट. और उन्होंने इस पर कैसे काम करना शुरू किया, वो इस पर थोड़ा सा ईगर भी रहे, और दे हैव बिन कलेक्टिंग डाटा. सो अब जब उन्हें डाटा कलेक्ट करना था, तो इनिशियली ये सारी कहानी जो है वो फिज़िकल फॉर्म्स की फॉर्म मतलब की सूरत में शुरू हुई. यानी दे यूज़ टू हैव फॉर्म्स, और उन फॉर्म्स के अंदर वो डिफरेंट तरह का डाटा कलेक्ट करते थे. इनिशियली मिसाल के तौर पर ट्रैक करने के लिए यूज़ होता था, फॉर्म्स बनाए जाते थे कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, जिनको आप अटेंडेंस शीट्स की फॉर्म में आप जानते हैं. आपने देखा होगा जब आप स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, वहाँ पे भी यही कुछ चल रहा होता है, डाटा कलेक्शन चल रही होती है, उस पर एनालिसिस किया जा रहा होता है कौन बच्चा कितने दिन आया. इसी तरह से हम लोग भी देखते हैं आपके, जब हमने कोई प्रोग्राम के अंदर कुछ इनरोलमेंट्स करवानी हो, तो हम फॉर्म्स जो है ना वो आपको भेजते हैं कि जी इस फॉर्म को काइंडली फिल कर दें. और वो हो क्या रहा होता है, उस फॉर्म को आप फिल करते हैं, जो रेलेवेंट डाटा हमें रिक्वायर्ड होता है आपसे कम्युनिकेट करने के लिए या आपको ट्रैक करने के लिए, वो हमें वहाँ से मिल जाता है. इसी तरह से लाइक ये तो मैं अभी पे आ गया हूँ ना, तो इनिशियली जब ये चीज़ कहानी स्टार्ट हुई, तो पीपल हैव बिन वर्किंग ऑन इट ईगरली. बड़ी बड़ी जो कंपनीज थी वो इसको सेल्स फनल के नाम से याद रखती थी. अब आप कहेंगे वो क्या कहानी होती है, वो तो वेबसाइट्स के अंदर फनलिंग फनल का कॉन्सेप्ट होता है, और ये फिर यहाँ कैसे आ गया. तो इसको मैं आपको थोड़ा तरीके से समझाना चाहता हूँ. देखिए, जैसे कि टोयोटा है, अब ये वेबसाइट से पहले की कहानी है, वो गाड़ियाँ बहुत पहले की बना रहे हैं, ठीक है. इसमें जापनीज़ की जो इंडस्ट्री रही है, और बड़ी बड़ी कंपनीज़ को आप जानते हैं जो कि यहाँ 100-100 साल पुरानी कंपनीज़ हैं. तो ये कंपनीज़ क्या करती थी, ये अपनी कंपनीज़ के प्रोसेसेस को सेट करने के लिए तब डाटा कलेक्ट किया करती थी. सो दे यूज़ टू हैव फॉर्म्स विद देयर मैनेजर्स विद देयर एम्प्लॉयज़, और ये उनको इन्फोर्स करती थी कि यार तुम डिफरेंट टाइमिंग्स में ना ये डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर इस तरह का डाटा जो है ना चेक करके और वो लिख दिया करो. मिसाल के तौर पर मैनेजर के ऊपर लाजमी होता था कि इस टाइम के ऊपर हमारा इस चीज़ का टेम्परेचर कितना रहा है, इतनी एक्टिविटी के बाद तुम ये लिखो. अच्छा, इस चीज़ का मतलब इस तरह से ना बहुत ज़्यादा वो डाटा कलेक्शन किया करते थे, और फिर उस डाटा कलेक्शन के ऊपर कुछ एनालिसिस और कुछ एनालिटिक्स परफॉर्म करके और कुछ जिसको कहते हैं डिसीजंस मेकिंग के लिए वो डाटा काम आता था. तो फॉर्म्स जो है ना, ये आज की कहानी नहीं है. सो फॉर्म्स हैव बीन द नीड ऑफ द आवर्स. और फिर ये जो हमारे ऑफिस मतलब जितने भी दुनिया के तरह के ऑफिस हैं, ऑब्वियसली उनकी ज़रूरत है. तो गूगल आपको पता है, क्योंकि गूगल डील करता है कंपनीज़ के साथ. गूगल का जो ज़्यादातर बिज़नेस है वो बी टू बी है. बी टू सी जो वो यूज़ करता है, बी टू बी मीन्स बिज़नेस टू बिज़नेस, और बी टू सी मीन्स बिज़नेस टू कंज्यूमर. अच्छा, हम जो कर रहे हैं, हम बिज़नेस टू कंज्यूमर हैं, हम किसी बिज़नेस को इस वक्त सर्विस नहीं दे रहे. SNS जायंट्स जो सर्विस देता है वो कंज्यूमर को डायरेक्टली देता है. बट येस, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्सप्लोर आवर एरिया ऑफ बी टू बी. हम बिज़नेस टू बिज़नेस भी देना चाहते हैं. हम यूनिवर्सिटीज़ के साथ इसलिए कोलैबोरेट करना चाहते हैं कि हम यूनिवर्सिटी को सर्विस दें, आगे वो हमारी सर्विस को यूज़ करके अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करें, इंस्टेड ऑफ कि हम बच्चों के साथ खुद जो है ना वो कर रहे हो. इस तरह अगर हम 50 बच्चों को सिखा पाएंगे या 100 बच्चे को, अगर हम 100 यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेट करेंगे, तो हम 10,000 बच्चों तक रीच कर पाएंगे. तो इट इज़ ऑब्वियस कि हमारी भी कोशिश होगी बी टू बी. तो बट इस वक्त गूगल जो है ना वो बी टू बी सर्विसेज देता है, और गूगल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, दे आर फोकस्ड ऑन
ऑफिसेज, और ऑफिसेज के अंदर क्या चीज़ें चाहिए वो आपको पता है। आप गूगल के भी प्रोडक्ट्स देखना शुरू करें ना, तो आपको समझ ही आएगी कि उनके अराउंड 40-50% ऑफ द प्रोडक्ट्स वो सारे के सारे किसी न किसी ऑफिस की ना डिमांड को पूरा कर रहे होंगे। मीन्स आप देख लें उनका क्या है जी, जीमेल, ऑफिस की ज़रूरत है जी ईमेलिंग, ठीक है। अच्छा आप देखना शुरू कर दें एमएस वर्ड, ऑफिस की ज़रूरत थी, उन्होंने क्या कर दिया, गूगल डॉक्स बना दिया। आपको एक्सेल की शीट्स चाहिए होती थी, शीट्स के लिए, ट्रैकिंग के लिए, मतलब इस तरह की मैनेजमेंट के लिए, एक्सपेंस ट्रैकिंग वगैरह वगैरह, उसको काम उन्होंने कैसे कर दिया, गूगल शीट्स की फॉर्म में। अच्छा आपको पावर पॉइंट की स्लाइड्स बनानी पड़ती थी कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन और इस तरह की चीज़ों के लिए, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने आपको गूगल स्लाइड्स दे दिया। अच्छा आपको फॉर्म्स की ज़रूरत थी, उन्होंने आपके लिए ऑनलाइन गूगल फॉर्म्स बना दिया। मज़े की बात, बी टू सी सारा कुछ फ्री है, लेकिन जब मैं एज अ बिज़नेस गूगल के साथ डील करता हूँ, गूगल कहते हैं भाईजान पैसे दो, जो भी तुम्हारे बिज़नेस के एम्प्लॉयज़ हैं उन सब के ईच अकाउंट के पैसे हैं, ठीक है। और पहले जब मैंने चेक फॉर द लास्ट टाइम, तो इट वॉज अबाउट $6 तो पर इंडिविजुअल अकाउंट ऑन गूगल और पर मंथ। तो जाहिर बात है अगर मेरे पास 300 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, जो कि ऑन एवरेज एक ऑर्गेनाइजेशन का यही होता है, तो पर मंथ उसकी जो बिलिंग या इनवॉइसिंग उसको गूगल को करनी पड़ेगी, दैट इज़ गोइंग टू बी 300 मल्टीप्लाइड बाई $6, इट इज़ गोइंग टू बी 1800 डॉलर्स पर मंथ। तो इट इज़ ऑब्वियस कि क्योंकि गूगल ग्लोबली सर्विसेज देता है पूरे दुनिया के अंदर, तो वो ऑब्वियसली उसका एक लमसम बहुत हैवी अमाउंट बन जाती है। और गूगल क्यों दे पाता है इतनी सर्विसेज, इतने ज़्यादा बिजनेसेस को इस रेट के ऊपर, क्योंकि हमारी मजबूरी भी ये बन जाती है कि मेरे जैसा जो सिंगल यूज़र है उसको गूगल के प्रोडक्ट्स बड़े आसान लगते हैं, हैंडी हैं, ईजी टू यूज़ हैं, शेयरेबल हैं। तो लिहाजा जब मैं बिज़नेस में आता हूँ तो मैं इंस्टेड ऑफ़ गूगल के कंपेटिटर को चूज़ करूँ, मैं गूगल को चूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि गूगल के $6 की फ़ी पे करने के साथ साथ गूगल के सारे प्रोडक्ट्स मेरे लिए फिर एक लॉन्ग रेंज में एक्सेसिबल और प्रीमियम फीचर्स के साथ मिल जाते हैं सारे के सारे। इफ़ एनी वन आउट ऑफ यू इज़ गोइंग टू हैव एनी क्वेश्चन, सो डोंट कीप ऑन आस्किंग कि मैंने एक क्वेश्चन पूछना है, यू कैन जस्ट टाइप योर टेक्स्ट, आई विल रीड इट आउट। ओके सो यहाँ तक बात क्लियर हो गई सबको कि भी फॉर्म्स होते क्या हैं, फॉर्म्स की ज़रूरत क्यों पेश आई, फॉर्म्स का चक्कर क्या है। आई होप एवरीवन इज़ क्लियर टिल नाउ। अब हम बात करते हैं ज़रा फॉर्म्स की, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अगेन मेरा पर्सनल अकाउंट है जो ओपन हो गया, तो इसको हम नहीं करते कंपनी अकाउंट से, आपको कुछ फॉर्म्स दिखाते हैं। सो सी, अब हमारे सेल्फ सफिशिएंसी प्रोग्राम और इतने सारे हमारे फॉर्म्स बने पड़े हैं। कोई एक फॉर्म जो मैं आपको दिखाना चाहूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, CSS PMS के स्टूडेंट्स के साथ इनिशियली हमने एक डिस्कशन फॉर्म बनाया था, तो ये फॉर्म मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अच्छा इसका इंटरफेस बड़ा क्लियर है, वेरी क्लियर इंटरफेस, और इस इंटरफेस के साथ जो है ना आप जिस तरह का डिज़ाइन चाहें आप इसका बना सकते हैं। ओके सो अब ये एक बेसिक सा डिज़ाइन है, जिस सिर्फ एक तो ओवरव्यू कराया तो बाकी इसको कैसे बनाना है मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ। इसमें आप देखें दो तीन चीज़ें की हुई हैं, पहली चीज़ हमने सेक्शनिंग की हुई है, सेक्शन 1, फिर क्या है सेक्शन 2, फिर क्या है सेक्शन 3। अब सेक्शनिंग करने का मकसद ये होता है कि यार एक सेक्शन में हम एक तरह के क्वेश्चन डाल दें, फिर दूसरे सेक्शन में दूसरी तरह के क्वेश्चन डाल दें, तीसरे सेक्शन में तीसरी तरह के क्वेश्चन डाल दें। और आमतौर पर जब भी आप फॉर्म्स बनाते हैं आप देखते हैं इसी तरह का ही होता है आमतौर पर, लेकिन अगर आपको एक ही तरह का जेनेरिक या बहुत थोड़ा डाटा चाहिए हो तो फिर आप जो है इसी तरह से कर सकते हैं, अदरवाइज़ कहानी से चलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ना कुछ टैम्पलेट्स यहाँ दिखाना चाहता हूँ, ये ऑलरेडी हमें गिवन टैम्पलेट्स हैं, ठीक है। आप इन्हीं को यूज़ कर सकते हैं अपने ऑफिस आवर्स में जो भी आपकी ज़रूरत हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक असेसमेंट का फॉर्म है यहाँ से ले लें, वर्कशीट यहाँ पे है, कोर्स इवेल्यूशन फॉर्म यहाँ से आप ले सकते हैं। ओके लेट्स से मैं कोर्स इवेल्यूशन फॉर्म यहाँ पे क्लिक करने लगा हूँ, किसी कोर्स की मैंने इवेल्यूशन के लिए फॉर्म बनाया है, तो क्या है जी क्लास का नेम क्या है, इंस्ट्रक्टर का नेम क्या है, लेवल ऑफ एफर्ट क्या पुट की गई है जी यू सी। ओके फिर क्या है जी कंट्रीब्यूशन ऑफ लर्निंग क्या है इसके अंदर, ठीक है। और इसमें मल्टीपल भी चीज़ें मैं एडिट कर सकता हूँ, स्किल एंड रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द इंस्ट्रक्टर वो आप चेक कर सकते हैं, कोर्स के कंटेंट्स का लेवल आप चेक कर सकते हैं, और इस तरह से आप क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। यू सी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल आप देखें यहाँ ग्रिड की फॉर्म में है। ओके ग्रिड के बाद जो है यहाँ पे ये टेक्स्ट शॉर्ट आंसर आप डालें, ओके यहाँ पे लॉन्ग आंसर आप टाइप कर सकते हैं, ये जो है आप रेडियो बटन्स यानी इन सब में से कोई एक सिंगल चॉइस होगी। ओके हम एक क्वेश्चन अपनी मर्जी का इसके अंदर ऐड करके देखते हैं,
okay, so here we are going to add question, okay, right side plus sign. ओके सो ये हमारा नया क्वेश्चन आ गया. अब इसमें मैं क्या चीज़ें कर सकता हूँ, इमेज डाल सकता हूँ पहली बात, ठीक है. आई कैन चूज़ एन इमेज और मैं यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ, यहाँ कोई भी इमेज यहाँ पे मैं प्लेस कर सकता हूँ. लेट मी फाइंड आउट इफ समथिंग इज देयर. आई डोंट थिंक सो, बट इफ देयर इज एनी थिंग तो हम कर सकते हैं ऐड. ओके, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड एक पड़ी है तो हम ऐड करते हैं. सो किसी ये जी हमने इमेजेस में ऐड कर दी. ये शायद आई थिंक लास्ट जो हमने गूगल लेंस के थ्रू सर्च करना था तो हमने तब इसको ही किया था. तो यहाँ पे आप क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, ये क्वेश्चन की इमेज आके क्वेश्चन जब टाइप करें बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, आप एक लिंक इंसर्ट कर सकते हैं और आप फॉर्मेटिंग को उड़ा भी सकते हैं. अच्छा, ऑप्शंस जो इसके नीचे आएंगे आंसर्स वो ये सारे हैं, ठीक है. आप शॉर्ट आंसर एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने यूज़र से, आप लॉन्ग आंसर कर पैराग्राफ, ठीक है, लॉन्ग आंसर जिसको हम कहते हैं, तो पैराग्राफ आप ऐड कर सकते हैं. आप चेक बॉक्सेस डाल सकते हैं, आप एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बना सकते हैं, आप उसको कह सकते हैं फाइल अपलोड करो. अब अक्सर देखते हैं कभी आपने एसएनएस जायंट्स के फॉर्म्स फिल किए हो तो उसमें मैं भी कभी कभी आप लोगों को कह देता हूँ कि जी इसमें फाइल अपलोड रिक्वायर्ड है. खासतौर पर जब हम हायरिंग के फॉर्म्स फिल करवाते हैं तो उसमें हम आपको कहते हैं कि जी आप अपनी जो है ना रेलिवेंट जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फाइल्स अपलोड कर दें सॉफ्ट फॉर्म में. हम इधर से ही देख लेंगे कि वेदर दे आर ओके और नॉट और यू आर एलिजिबल और नॉट. इसी तरह से ठीक है आप एक लीनियर स्केल दे सकते हैं जैसे वहाँ पे दिया हुआ था. आप मल्टीपल चॉइस का ग्रिड दे सकते हैं, ठीक है. आप चेक बॉक्स का ग्रिड दे सकते हैं, ये भी आपने पीछे देखा यूज़ हुए थे. आप डेट एंड टाइम, ये दो चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं. मेक सेंस? सो इस तरह से जो है आप चीज़ें यहाँ पे ऐड, मतलब डेट ऑफ बर्थ पूछने हो तो आप यहाँ डेट, सी इसी तरह से अगर आपने कुछ स्पेसिफिक आवर्स पूछने हो तो आप वहाँ पे टाइम दे सकते हैं. तो इस तरह की चीज़ें जो है ना आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. तो ये हमारे आंसर्स हो गए. इसके अंदर फर्दर हम क्या कर सकते हैं, यू सी आप क्वेश्चंस को इम्पोर्ट कर सकते हैं, यानी आपके किसी और फॉर्म में किसी और जगह के ऊपर क्वेश्चंस पड़े हुए हैं आप वहाँ से इसको यहाँ इम्पोर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप इसमें टाइटल और इसके डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं क्वेश्चन के साथ साथ. फर्दर आप यहाँ इसमें इमेज ऐड कर सकते हैं, ऑलरेडी आपने करके देख लिया. आप यहाँ वीडियो भी ऐड कर सकते हैं. अच्छा, जो राइट साइड पर इमेज और वीडियो आ रहा है ना, ये ओवरऑल इस क्वेश्चन के ऊपर आएगा, ठीक है. यानी ये जो कह रहे हैं ना टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, वो इसके ऊपर आ जाएगी. अच्छा, इस तरह से इमेज भी इसके ऊपर आ जाएगा अलग से, उसका कोई टाइटल दे देंगे आप. वीडियो भी इसी तरह आप ऐड कर सकते हैं. और ये है ऐड अ सेक्शन, जैसे हमने वहाँ सेक्शनिंग की हुई थी. तो आप सेक्शन बना लेते हैं, फिर सेक्शन के अंदर आप चीज़ों को प्लेस कर देते हैं कि ये मेरा फर्स्ट सेक्शन है, सेकेंड सेक्शन है, थर्ड सेक्शन है. कुछ चीज़ आप इनिशियली रख देंगे, फिर आप तो जिस तरह से आपको रिक्वायर्ड हो आप सिर्फ इन्हीं बेसिक चीज़ों को यूज़ करते हुए अपने फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं. तो इस चीज़ ने दुनिया के अंदर फॉर्म डिज़ाइनिंग बड़ा एक फ़न एक्टिविटी बना के रख दिया. पहले होता था आपको ना गूगल टॉक्स पे आप बैठते थे और इतनी मेहनत करके आप एडिटेबल फॉर्म वो बनाते थे और एडिटेबल पीडीएफ के अंदर, और उसके फिर आपको पीडीएफ के लिए पैसे पे करने पड़ते थे कि वो आपका ऐसा पीडीएफ एडिटर हो जो कि यानी एडिटेबल फॉर्म्स आपको बना के दे सके. तो कंपनीज ऑल जो हैं वो करती रही हैं इस तरह से. मैंने भी इस तरह कुछ कंपनीज़ के फॉर्म फिल किए थे जब मैं इनिशियली जब मैं स्ट्रगल कर रहा था और मैं कंपनीज के लिए इंटरव्यूज देने जाता होता था ड्यूरिंग माई स्टूडेंट टाइम. तो फिर ये होता था, आप कुछ कंपनीज ऐसे अपने फॉर्म शेयर करती थी, एडिटेबल फॉर्म्स होते थे, उसकी वो कॉपी बनाती थी अपने पास मेरे नाम के साथ, मैं से शेयर करती थी, मैं उसको फिल करता था, मैं उसको फिर सबमिट करता होता. तो उससे क्या होता था कि जी उनके पास वो उस फॉर्म के अंदर ही डाटा आ जाता था, फिर उसको वो दोबारा CSV में करके पता नहीं कैसे अपने पास इम्पोर्ट करते थे. तो हेक्टिक काम है, तो वाई टू यू नो बी दिस मच हेक्टिक. अब देखिए क्वेश्चन आपने बना लिए, अब अगली बात होगी आपने शेयर कैसे करना है, ठीक है. अच्छा, यहाँ आप इसका टाइटल यहाँ पे एक तो फाइल का नेम वगैरह ऐड कर सकते हैं, यहाँ आप इसका अदरवाइज टाइटल वगैरह ऐड कर सकते हैं, यहाँ इसके डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं. और बाकी एक और चीज़ है कि किसी भी क्वेश्चन को अगर आप कंपलसरी करना चाहें तो आप इसको रिक्वायर्ड कर लेते हैं, अदरवाइज आप इसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है. रिक्वायर्ड करेंगे तो ये स्टार है ऐसे नज़र आएगा, अगर नहीं करेंगे तो नहीं नज़र आएगा. अच्छा जी, मोर ऑप्शन में आप डिस्क्रिप्शन एंड रिस्पॉन्स की वैलिडेशन भी आप कर सकते हैं. यहाँ से डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर दें, कॉपी करना चाहें तो आप इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं. सो ये इसकी बेसिक फॉर्म की डिटेल है. इसमें दो और मेन पॉइंट्स हैं, एक है इसके रिस्पॉन्सेज जो आप कैसे रिसीव करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे. हम आमतौर पर क्या करते हैं, क्योंकि गूगल एक पूरा एक पैकेज है तो हम गूगल का ये जितनी भी कहानी है ना तो हम इसको जो गूगल की शीट संग के साथ लिंक कर देते हैं. अब जो गूगल शीट के साथ हमने इसको लिंक किया तो क्या होगा, ये एक एक्सेल शीट बना देगा जो कि रेलेवेंट टू दिस फॉर्म होगी. तो जब भी इस फॉर्म में फिल होगा डाटा वो उस रेलेवेंट एक्सेल शीट के अंदर ऐड हो जाएगा.
तो हम आमतौर पर यही करते हैं, बार बार इस फॉर्म में आके इधर रिस्पॉन्सेज नहीं देखते रहते हैं। हम एक शीट बना के इसके साथ लिंक कर लेते हैं, और वो कैसे इसको एक दफ़ा क्लिक करेंगे लेफ़्ट क्लिक, और ये शीट खुद ब खुद बना के और आके ओपन भी कर देगा। आपके सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट, या कि एग्जिस्टिंग जो स्प्रेडशीट है उसको आपने इन करना है। हम जारी बात है न्यू बनाएंगे, तो हम इसमें क्रिएट कर देंगे और ये बन चुकी है और उसके साथ लिंक है, ठीक है। तो अगर जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट मैं आप लोगों को ये दे दूं, आप इसमें कुछ चीज़ें फिल करें और सबमिट करें, तो आप लाइव यहाँ डाटा देखते रहेंगे। तो अगर आप चाहें तो हम ये एक्टिविटी कर सकते हैं अभी आपको समझाने के लिए, ठीक है। और शेयर कैसे करेंगे ये भी आपको पता चलेगा। मिसाल के आप यहाँ करेंगे सेंड, सेंड के बाद देखें एक चीज़ है कलेक्ट ईमेल्स, और कलेक्ट मैंने चेक नहीं किया, वो कलेक्ट ईमेल्स करूँगा तो जब तक आप साइन इन नहीं होंगे आप इसको फिल नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो आपको गूगल में साइन इन पहले होना पड़ेगा, फिर ये आपकी ईमेल्स कलेक्ट करेगा। अब साइन इन नहीं होंगे तो फिर ये नहीं कर सकेगा। तो लिहाजा ये अगर आप बाउंड करना चाहते हैं कि आपको वैलिड रिस्पॉन्सेज आएँ, तो आप इसको कलेक्ट ईमेल्स को चेक कर देते हैं। फिर क्या करते हैं यहाँ पे, आप करते हैं कि किसको ईमेल करनी है, उसका सब्जेक्ट क्या रखना है, उसका मैसेज क्या रखना है, और उसमें एडिटर वगैरह को ऐड करके आप सेंड कर सकते हैं। लेकिन हम आपका लिंक शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, हम इसका कोड। अच्छा तीसरी चीज़ ये क्या है जी, आप इसे देख सकते हैं कि आप एम्बेडेड HTML के थ्रू भी ये फॉर्म फिल करा सकते हैं। आमतौर पे आपने अक्सर देखा होगा कि वेबसाइट्स के ऊपर ना इस तरह का ना इन्होंने बना के रखा होता है, यानी वो एक पूरा गूगल फॉर्म बनाते हैं और गूगल फॉर्म के साथ इसे शीट लिंक करते हैं, और अल्लाह का नाम लेके क्या करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर यहाँ गूगल फॉर्म्स में आके एक फॉर्म बनाया अच्छा सा, और यहीं पर उसका ये एम्बेडेड HTML उठाई और वहाँ पर जाके डाल दी। तो क्या होता है उससे, वो आपका एक बड़ा क्वालिटी फॉर्म नज़र आता है, ऐसा लगता है इतनी मेहनत डिज़ाइनर ने की है, उसने यहाँ पर आके छोटा सा काम किया होता है, और हमारे ही इंप्रेस हो रहे होते हैं, भाई साहबान सारे बैठ के पता नहीं क्या तीख मार दिया भाई ने। तो मतलब ये टोटल छोटा सा काम होता है, बहुत बड़ी बात नहीं है, ओबियसली वी डोंट नीड दिस। अच्छा ये इसकी विड्थ और ये इसकी हाइट भी आप यहाँ सेट कर सकते हैं कि कितनी हाइट और विड्थ के अंदर वो फॉर्म आपका वहाँ पर नज़र आए। अच्छा हमें ये लिंक चाहिए, अब लिंक भी बहुत लेंथी होगा यहाँ पर, तो आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। docs.google.com को अपने forms.gle/this, तो ये गूगल की सर्विसेज है जो लिंक्स को शॉर्ट करके ना उस पर करती है। हम इसके शॉर्ट वाले को हमने करके हमने कॉपी कर दिया, और कॉपी करने के बाद हम आए आपकी चैट में और यहाँ पे आके हमने प्लेस कर दिया, और अभी आपके पास आ रहा है जस्ट फॉर द लाइव डेमो। आप सब अभी से फिल करें और साथ साथ देखते जाएं कि ये डाटा हमारे पास कैसे रिसीव होता है। आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल, जस्ट टेक अ मिनट। कुछ भी रैंडम वैल्यूज आपने इसमें प्लेस करके ना ऐड करनी है, सो दैट के वी कैन हैव लाइव डेमो कि यार ये कैसे वर्क करता है। प्लीज़ अपनी डिस्कशन की चैट ओपन करें, यहाँ से आके लिंक को क्लिक करें, फॉर्म्स को टिपिकल कुछ भी वैल्यूज़ ABC 1 2 3 एनीथिंग आप फिल कर दें, एंड वी विल हैव द रिस्पॉन्सेस। जी सब कर रहे हैं इसको जी, लास्ट 30 सेकेंड्स प्लीज जल्दी जल्दी करें, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम। सो क्लास नेम कोर्टी इंस्ट्रक्टर ASTF जी, इसका ये है, इसमें ये था, इसमें ये चीज़ थी, और ये मैंने सबमिट कर दिया। सो सबने कर लिया, अगर कर लिया तो अब यस कर ले, तो मैंने तो आपके सामने बैठ के आई थिंक टोटल 10 सेकेंड लगे थे, जल्दी हो गए। तो यू सी एक रिस्पांस आ गया जी मेरी तरफ से ही, आप लोगों का रिस्पांस अभी तक वेटिंग है, दो रिस्पांसेस। ओके 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 गुड, शिवा साहब का आ गया। तो ये सही, अब आपको रिस्पॉन्सेज यहाँ कैसे नज़र आ रहे हैं, अब जल्द से कर लें। जी लास्ट 10 सेकेंड्स प्लीज सबमिट इट सो दैट आई कैन शो यू फर्दर, और अगर नहीं कर रहे तो बेशक बता दें चैट में, यार हम नहीं कर रहे, जब हम टाइम ना वेस्ट करते रहें आप लोगों इंतजार में। बी बोल्ड, ए गुड मेमो,
एनीवेज अब सारे वापस आ जाएं, जल्दी से जितना हो गया बस सबमिट करें और वापस आ जाएं स्क्रीन के ऊपर। सो यू सी वी हैव गॉट एट दिस मोमेंट 5 रिस्पॉन्सेज, और जैसे जैसे आपके रिस्पॉन्सेज ऐड हो रहे थे यहाँ पे नंबर भी अपडेट होता जा रहा था। सो वी कैन रिसीव 150, 200, 1000, तो जितने भी रिस्पॉन्सेज हम यहाँ पे रिसीव कर सकते हैं एज पर आवर नीड एंड रिक्वायरमेंट। ओके सो यू सी जी जी हौसला रखे थे अभी दिखाते हैं। तो अभी आप ये देखिएगा कि आपकी जो रिस्पॉन्सेज आए हैं उनको ये प्रेजेंट कैसे कर रहा है, जो आपके सिंपल आंसर थे वो तो ऐसे ही नज़र आ रहे हैं यू सी। अच्छा लेकिन फर्दर क्या है जी लेवल ऑफ एफर्ट, ये देखिए हम यहाँ पे इनके अंदर चॉइसेस हैं तो इसने चार्ट्स बना दिए। ओके कंट्रीब्यूशन टू लर्निंग यू सी चार्ट्स हो गए हर एक के फर्दर चार्ट्स, ठीक है। अच्छा जी स्किल एंड रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द इंस्ट्रक्टर, इसका भी चार्ट आ गया। कोर्स कंटेंट, इसका भी आपने देखा चार्ट आ गया। फर्दर आपने क्या देखा फिर हमारे जो भी इस तरह की चॉइस, अच्छा यहाँ पे सिंपल तो इसने क्या किया इस तरह से यू सी आया चार्ट इसने बना दिया एंड फाइनली एक रिस्पॉन्स तो ये चीज़। सो इन शॉर्ट इस तरह से ना आपको चीज़ें नज़र आएंगी। अब हम जब एक्सेल शीट के अंदर आएंगे तो यहाँ पे ये पांचों लोगों के लिए ये डाटा आया पड़ा है। मज़े की बात ये है कि जब आपने फॉर्म फिल किया इसके टाइम स्टैम्प भी ये साथ सेव करता है, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है कि यार कब किसने क्या फॉर्म फिल किया तो आपको साथ पता चल रहा होता है, तो यहाँ कहानी नहीं हो सकती। अक्सर लोग होते हैं ना कि वो ऑड आवर्स में बैठ के फॉर्म फिल करते हैं समझ रहे होते हैं कि पता नहीं बस हो गया, तो वो बेसिकली टाइम स्टैम्प साथ आ रही होती है, ठीक है। तो ये गुड चीज़ होती है फॉर द क्रॉस इवेल्यूशन थिंग। अब एक चीज़ आएगी हमारे पास दैट इज़ अ सेटिंग्स पार्ट, ठीक है। अब आप इसको एक क्विज भी बना सकते हैं, ये गूगल को ने देखा कि यार जब हमने इतनी बड़ी चीज़ बना ही दिया तो वाई नॉट कि हम इसको एक क्विज भी बनाते हैं। क्विज में आमतौर पर इसी तरह का ही होता है, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, आंसर्स होते हैं, लॉन्ग आंसर्स होते हैं, चॉइसेस होती हैं और इसी तरह की ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो या फिर ये कि हम बच्चे को मतलब क्विज के अंदर ही चीज़ें दे दें, वो खुद अपने पास सॉल्व करें, उसी की इमेज लेके यहाँ पे अपलोड कर दें, वो भी हम कर सकते हैं। तो दे कैन मेक इट अ क्विज। फिर आप रिस्पॉन्सेज के ऊपर बात करते हैं कि जी आप ईमेल्स कलेक्ट करें या ना करें, ठीक है। फिर आप जो रिस्पॉन्डर है उसको आप कॉपी सेंड करें या ना करें, ठीक है। फिर के अलाउ रिस्पॉन्स एडिटिंग, अगर आप अलाउ करते हैं फिर भी ठीक है, नहीं तो फिर भी ठीक है। लिमिट टू वन रिस्पॉन्स, इसके लिए साइन इन रिक्वायर्ड है, यानी एक बंदा एट अ टाइम एक ही रिस्पॉन्स जमा करा सके, एक से ज़्यादा ना करा सके। हमारे साथ ये हुआ है कि ऑलरेडी जब हमने 801 और बाकी चीज़ों की इनरोलमेंट की थी मैंने ये चीज़ सेलेक्ट नहीं की हुई थी लिमिट टू वन रिस्पॉन्स, ताकि ईजिली आप कर सकें। कुछ बच्चों के 6-6 दफ़ा फॉर्म फिल हुआ था, तो फिर हमारी टीम को एक तरफ तो लग रहा था कि बहुत ज़्यादा फॉर्म फिल हो गए हैं, और फिर जब हमने उसको मतलब यूनिक करके करना चाहा तो पता चला कि इतने सारे रिडंडेंट फॉर्म्स आए हुए थे, यानी टोटल काउंट तो 400 प्लस तो एक्चुअल में बंदे थे 310 आई बिलीव इतना कुछ काउंट था। तो वो 100 देखना हमें रिपीटेटिव फॉर्म से एक भी बंदे के चार चार फॉर्म भी फिल हुए थे। हमारी अभी भी क्लास में मैं दो एक नाम जानता हूँ जिनके डबल फॉर्म्स फिल हुए थे। एनी वेज तो डबल से भी शायद ज़्यादा। तो प्रेजेंटेशन के अंदर आप देखें जी के मैनेज हाउ द फॉर्म्स एंड रिस्पॉन्सेज आर प्रेजेंटेड, तो आप इनका प्रोग्रेस बार दिखाना चाहते हैं, शफल क्वेश्चन ऑर्डर करना चाहते हैं मुख्तलिफ लोगों के लिए इसका डिफरेंट हो जाए, ठीक है। अच्छा जी कन्फर्मेशन मैसेज को आप एडिट करना चाहें जो आप यहाँ भेजना चाहें, फिर शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, ओके व्यू रिजल्ट समरी, ठीक है, शेयर रिजल्ट समरी विद रिस्पॉन्डेंट्स इंपॉर्टेंट डिटेल्स, ये हम कर सकते हैं। ओके अगर कोई सर्वे वगैरह का फॉर्म हो जिस पे हम सर्वे करना चाहते हो ओवरऑल सबसे ऑप्शंस लेके और हम यहीं पे ही इवेल्यूएट करना चाहते हो, या अक्सर आप देखते हैं कि हम एक ऑनलाइन जो है ना वोटिंग वो बनाया होता है बेसिकली ये इसी तरह का, इधर एक क्विज बनाएं और यहाँ पे आप कहें कि ओवरऑल इधर ही ऑटो पे लगा दें, ठीक है, इसका टाइमर लगा दें कब तक ये रिस्पॉन्स एक्सेप्ट करेगा और वगैरह वगैरह। आप देखें फॉर्म के डिफॉल्ट्स वगैरह कुछ सेट करें, क्वेश्चन डिफॉल्ट सेट कर लेकिन हमेशा ये क्वेश्चन आने ही चाहिए। एक चीज़ जो इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज, जब तक तो आपका ये चेक है ऑन है तब तक ये रिस्पॉन्स एक्सेप्ट करेगा। अब फॉर एग्जाम्पल वक्ती तौर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, अब ज़रा आपने सिर्फ जैसे जो से को फिट किया वो क्या नज़र आता है, अब इस फॉर्म को क्लिक करके ज़रा फिल करके देखें सर, यूर गोना एंजॉय इट एवरीवन, बट क्विकली करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना, कुछ भी फिल करें और सबमिट करके देखें। इसके क्वेश्चन कंपल्सरी है वो भी मेरे ख्याल से मुझे ख़त्म कर देना चाहिए, सो दैट के आप एक अदी बस वैल्यू उसमें डालें और फिल करके देखें। क्लास नेम कंपलसरी था, इंस्ट्रक्टर कंपलसरी था जी, सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज, सो अगर ऐसा होता है कि आप टाइम स्पेसिफिक कुछ चीज़ें इंटर करना चाहते हैं, फॉर्म आपने ऐसा बना दिया जो आप चाहते हैं कि स्पेसिफिक इस टाइम तक ये फॉर्म फिल करें, उसके बाद ये फॉर्म फिल ना हो सके किसी से भी, ताकि हमारा डाटा सिर्फ उन्हीं लोगों का है जिनसे हम चाहते हैं। अक्सर आप ये चाह रहे होते हैं यानी अटेंडेंस क्लास के लिए ना, तो क्लास के टाइम के अंदर अंदर आप एक्सेप्ट करें, उसके बाद आप इसको ऑफ़ कर दें कि उसके बाद कोई कर ही ना सके, ठीक है। ऑफिस आवर्स में आप ऑन करें,
ऑड आवर्स या ऑफिस आवर्स के बगैर आप उसको ऑफ कर लें फॉर्म को। तो ये चीज़ें ना एडमिनिस्ट्रेटर की सेंस में ये चीज़ें मैंने आपको बताई, तो यहाँ पे ये भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको ऑन करता हूँ अब आपसे फॉर्म फिल हो जाएगा। ओके सो गुड टू गो। ये हमारा जो है ना आज फॉर्म्स की बात है। इसके अंदर एक और चीज़ है, हम इसको प्रीव्यू कर सकते हैं, हम इसका थीम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, रीडू और अनडू के ऑप्शन यहाँ है पड़े। एक मज़े की बात होती है कि आप यहाँ पे ना इसी फॉर्म को पूरे को आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, प्री फिल्ड लिंक जो है वो आपको यहाँ मिल सकता है, आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, आप कोलैबोरेटर्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कोलैबोरेटर मींस के और लोग भी इस फॉर्म को इम्प्रूव कर सकें, या जैसे हम उधर शेयर करते होते थे बाकी जगह पे, यहाँ इसके कोलैबोरेटर्स हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। स्क्रिप्ट एडिटर है हमारे पास, हम इसमें फर्दर एड ऑन कर सकते हैं, जैसे हमने गूगल डॉक्स में या बाकी जो हमारे सेशन है उनके अंदर किया था, और हम इसके कीबोर्ड के शॉर्टकट्स भी बना सकते हैं। तो दीज आर द ऑप्शन विच वी कैन हैव, और यहाँ पे हम इसको एक स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर इसको मूव भी कर सकते हैं, और दैट्स इट। तो इस तरह से गूगल फॉर्म का आज मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया, बाकी जिसमें जितनी हिम्मत है वो इसके टेम्पलेट्स को एक्सप्लोर करें, लर्न करें, और दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। किसी को स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज इसको प्रो लेवल पे अगर सीखना है इससे ज़्यादा, जिसको अगर शौक हो तो हमारा ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स आ रहा है, उसको ज्वाइन कर लें। इंशाल्लाह उसमें हम प्रॉपरली ऑफिस मैनेजमेंट सिखाएंगे, ना सिर्फ एमएस ऑफिस बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर नाउ, और लेट्स मूव बैक टू आवर, अभी चीज़ें ट्रैश कर देते हैं इनको, जब जो यूजलेस चीज़ें होती हैं उनको आप मूव टू ट्रैश। ठीक है, जो होम स्क्रीन और उसको भी हम बाद में कर लेंगे, फिर यूजलेस सी चीज़ हो गई अब तो। गुड, तो उसका प्रोसेस ये होता है। सो योर क्वेश्चन है कि भाई हमारे पास जो एक, अब इसमें दो तरह की बात है, एक है ऑटो रिस्पॉन्स जो आपने देखा कि वो जो कॉपी उसको सेंड हो रही है उसी के अंदर आप उसका रिस्पॉन्स एडिट कर सकते हैं। तो आमतौर पे तो उन्होंने एडिट इसी तरह किया होता है कि एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट बना के उसको एडिट किया होता है, और जो भी मतलब फिल करता है उसको वही सेम आंसर चला जाता है। कुछ होते हैं जिन्होंने अपने फिर बंदे एजेंट बिठाए होते हैं, कि जैसे ही आपको फॉर्म फिल हो आप एक स्टैंडर्ड ईमेल, उन्होंने टेम्पलेट बनाया हो तो उसी बंदे का ईमेल एड्रेस उठाते हैं, उसको उसकी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन के साथ एडिट करते हैं और उसको भी सेंड कर देते हैं। कुछ लोगों ने उसके पीछे स्क्रिप्ट लिखी होती है अपने पास, कि जैसे ही फॉर्म रिसीव हो वो उस एक्सेल शीट को मॉनिटर कर रहे होता है, एक चैट बॉट एक रोबोट टाइप उन्होंने बनाया होता है अपनी, मतलब उसके ऊपर क्या उसको कहते हैं, चैट बॉट गलत लफ्ज़ है शायद, इसको आप कह सकते हैं कि एक छोटा रोबोट, मिनी रोबोट उन्होंने बनाया होता है अपने सिस्टम के ऊपर। एक प्रोसेस होता है जो क्या करता है, वहाँ पे जाके वैल्यूएट करता है, किसी का रिस्पॉन्स तो नहीं आया, जो रिस्पॉन्स आता है उसको लर्न करता है, और फिर एक ईमेल टाइप करता है आपके लिए, और ईमेल टाइप का होता है स्टैंडर्ड टेम्पलेट होता है, उसके अंदर कुछ चीज़ें वो जो नई आपके डाटा के मुताबिक होते उसको प्लेस करता है, उसको सेंड कर देता है। वो बहुत बड़ी साइंस नहीं है, दैट्स ओनली दिस थिंग। सो गुड टू गो, ये बेसिक सा टास्क है, आप सब इसको कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। लेट्स मूव ऑन टू द सॉफ्ट स्किल्स एंड रीड आउट अबाउट होली कुरान सूरह बकरा सेक्शन नंबर 11 आयत नंबर 87। एंड मोस्ट सर्टेनली वी गेव मूसा द बुक, जिसको आप तोरा या तोरात के नाम से जानते हैं। एंड वी सेंट अपोस्टल्स आफ्टर हिम वन आफ्टर अनदर, ठीक है, मैंने इसराइल के पास बहुत ज्यादा अंबिया को अल्लाह ताला ने भेजा। एंड वी गेव ईसा द सन ऑफ मरियम क्लियर आर्गुमेंट्स एंड स्ट्रेंथन्ड हिम विद द होली स्पिरिट। व्हाट व्हेन एवर देन एन अपोस्टल केम टू यू विद दैट व्हिच योर सोल्स डज नॉट डिजायर यू वर इनसोलेंट, सो यू कॉल्ड सम लायर्स एंड सम यू स्लू। ठीक है, ज़ेवा कर दिया। आपको पता है ना कुछ अम्बिया का जिक्र पुराने पाक में आया है जिनको बनी इसराइल ने ज़ेवा कर दिया था। एंड दे से आवर हार्ट्स आर कवर्ड, ने अल्लाह हैज कर्स देम ऑन अकाउंट ऑफ देयर अनबिलीफ, सो लिटल इट इज दैट दे बिलीव। एंड व्हेन देयर केम टू देम अ बुक फ्रॉम अल्लाह वेरीफाइंग दैट व्हिच दे हैव एंड अफोर टाइम They used to pray for victory against those who disbelieved, but when there came to them prophet that which they did not recognize, they disbelieved in him. So Allah's curse is on the unbelievers.
Evil is that for which they have sold their souls, that they should deny what Allah has revealed out of envy, that Allah should send down of His grace on whomsoever of His servants He pleases. So they have made themselves deserving of wrath upon wrath, and there is a disgraceful punishment for the unbelievers. And when it is said to them, believe in what has revealed, they say, we believe in that which was revealed to us, and they deny what is besides that, while it is the truth verifying that which they have say, why then did you kill Allah's prophets before if you were indeed believers? And most certainly Musa came to you with clear arguments, then you took the calf for a god in his absence, and you were unjust. And when we made a covenant with you and raised the mountain over you, take hold of what we have given you with firmness and be obedient. They said, we hear and disobey. And they were made to imbibe the love of the calf into their hearts on account of their unbelief. Say, evil is that which you believe bids you if you are believers. Say, if the future abode with Allah is specially for you to the exclusion of the people, then invoke death if you are truthful. अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा आर्गुमेंट सच है तो मर जाओ फिर देख लेना. एंड दे विल नेवर इनवोक इट, कभी भी नहीं मरेंगे, ऑन अकाउंट ऑफ व्हाट देयर हैंड्स हैव सेंट बिफोर. एंड अल्लाह नोज द अनजस्ट. एंड यू विल मोस्ट सर्टेनली फाइंड देम द ग्रीडिएस्ट ऑफ मैन फॉर लाइफ, ग्रीडियर देन इवन दोज हु आर पॉलीथीस्ट. एवरी वन ऑफ देम लव्स that he should be granted a life of 1,000 years, and his being granted a long life will in no way remove him further off from the chastisement, and Allah sees what they do. So aaj ke liye hadith hai, Allah's messenger said, you will be rewarded for whatever you spend for Allah's sake, even if it were a morsel which you put in your wife's mouth. So Imam Ali al-Islam is saying, the most helpless of all men is he who cannot find a few brothers during his life, but still more helpless is he who finds such a brother but loses him. दोस्ती की बात हो रही है भाई, आपको कोई अच्छा इंसान ही नहीं मिल सका सारी जिंदगी, और अगर मिल जाए और आप उसको खो दें फिर चले. गहराई वाली बातें हैं, किसी किसी को समझ. चलें जी, ह्यूमन डेस्टिनी के हवाले से आज हमारा आर्टिकल है. लेट्स लुक इनटू इट. उस्ताद जी क्या कहते हैं? ह्यूमन डेस्टिनी, सम सजेस्टिव टेंजिबिलिटीज. अगेन समझना आपने खुद है, मैं कोई बहुत ज़्यादा तशरीह करने का कायल नहीं हूँ इन चीज़ों की, तो क्योंकि तशरीह करते फिर इंसान जो है ना वो कहाँ से कहाँ निकल जाता. मैं फिर अपने बिलीव आप लोगों को बताना शुरू कर दूँगा तो मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगेगा. आप, मैं चाहता हूँ कि आप सब जो है ना बेसिक आइडिया ले लें, बाकी खुद पढ़ें, खुद सीखें, अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद फैसले करें. योर सेल्फ शुड बी अ डिसीजन मेकर, एक अच्छे इंसान आप खुद बने. सो इन द कन्वोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन सर्कमस्टेंस द इंट्रिकेट वेब इज वोन विद द थ्रेड्स ऑफ ऑडेसिटी, इनहिबिशन, फ्री विल, कवरिंग, एस्केपिज्म, कटिंग सिनिसिज्म एंड हनीड races. Kya fikr hai? Human behavior is a spontaneous situational application and response. There are billions of blossoms of human wisdom that the pickers can picky any to claim unchallenged possessiveness. Man moves upwards cautiously to disallow others the same privilege. He girds up every moment to see his destiny lying straight on his path. Often he steals a look to see how the others are progressing it. It is the same bungling all around. The human stuff sometimes gets itself bagged disposably in the hope of being delivered conveniently by some force without losing the personal pride or even arrogance.
Nevertheless, when the props are shifted to some other ascribability, the destiny gets pricked. Bitterness and severity are then chanted in chorus. The minions vibrate disharmoniously in fright. In such a case, holding back or giving forth are two manifestations of inertia. Apathy takes a walk over free will. Cats and pigeons look accommodative for each other in barrenness of such kind. Aristotle writes in Rhetoric, Book 2, there is a cropping time in the generations of men as in the fruits of the field. And sometimes, if the stock be good, there springs up for a time a succession of splendid men. And then comes a period of barrenness. जो क्वालिटी ऑफ राइटिंग है ना भाई, सुन के आपको समझ तो आ ही रही होगी। तो मेरा पता है, जब हमने स्टार्ट में यहाँ पे आया ना सनस जाइंट्स ओपन, मेरा जो मिलियन डॉलर प्लान था ना, उसमें मेरे तीन एरियाज थे। पहला था डिजिटल स्किल, दूसरा था सॉफ्ट स्किल, तीसरा जो हमारा एरिया था ना, दैट वाज ऑब्वियसली जॉब रिलेटेड टेक स्किल्स। सॉफ्ट स्किल में जो मेरा प्लान था वो ये था कि मैंने ना जो यंगस्टर्स है ना उनको ये 100 आर्टिकल सिर्फ पढ़ा देने हैं। तो अगर किसी को ये 100 आर्टिकल्स मेरे नज़दीक समझ आ जाए ना, वो ज़िंदगी में बहुत कुछ कर जाएगा। मतलब उसको एक दफा जिसको कहते हैं रास्ता सीधा हो जाता है बंदे का। बट एनी वेज देन आई केम टू नो कि पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड, और ये कि शायद मेरे पास इतना टाइम नहीं था। सो डायमेंशन ऑफ ग्रोथ, इसमें हमारी बात हो चुकी है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि आपके जहन में रहें, आप इनको देख सकते हैं। देखिए, किसी भी इंसान की ये पांच जो है ना डायमेंशंस हैं, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, मॉरल। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ भी है, इस मॉरल को ना आप इमोशनल के साथ चेंज कर लें, और जो मोरालिटी है या मॉरल के कॉन्सेप्ट आप स्पिरिचुअल के साथ ऐड करते हैं। मतलब इसको ना इन दो अल्टरनेट वर्ड्स में ना लोग इसको इस तरह लिख रहे होते हैं। सम से एक इंसान की इमोशनल डायमेंशन नहीं होती, सम से कि यस इट इज। ठीक है, तो फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल, इनके ऊपर तो कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। ठीक है, फिफ्थ डायमेंशन जो है ना, कुछ लोग कहते हैं कि मॉरल डायमेंशन, और कुछ लोग कहते हैं नहीं, मॉरल जब स्पिरिचुअल का पार्ट है, बट इसको हम इमोशनल डायमेंशन कहेंगे। मैं ज़ाती तौर पर इमोशनल के साथ जाऊँगा कि फाइव डायमेंशन में आप इमोशनल यहाँ पर ऐड करें। फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड साइकोलॉजिकल। तो आपको मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि एज अ ह्यूमन बीइंग इन पांचों डायमेंशन में एट द सेम टाइम वर्क करना है। ऐसा ना हो कि आप एक इंसान जो है वो मतलब मॉडल तो बन गया फिजिकल डायमेंशन में काम कर करके, ठीक है, क्रीम में लगा के और पता नहीं क्या कुछ करके और जिम जा के और रनिंग करके और रेलिवेंट फूड करके, और इंटेलेक्चुअल डायमेंशन बिल्कुल फारिग है। जब अपनी जबान खोलता है तो आपको लगता है कि मतलब फसाद का गटर है। तो ऐसे भी आपको लोग मिलेंगे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जो मतलब आपको पता ही है फिर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझदार बच्चे हैं। तो यानी बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज तो बन जाते हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक डायमेंशन में काम किया होता है, दैट इज़ देयर फिजिकल डायमेंशन, बट बाकी सारी फारिग होती हैं। इसी तरह से आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जिन्होंने सिर्फ इंटेलेक्चुअल डायमेंशन में काम किया होगा। ठीक है, उनमें आपको मिलेंगे पीर, फकीर, बाबे, आपको मिलेंगे डॉक्टर्स, आपको मिलेंगे उस तरह के इंजीनियर्स, इतने इतने मतलब हैवी वज़न बढ़ा लिया होगा, देखते हुए आपको अजीब सी फीलिंग आएगी। फिर जब उनके साथ बैठेंगे, उनकी बातें सुनेंगे और उनके इंटेलेक्ट आपको पता चलेगा, फिर आप उनसे इंस्पायर होते रहेंगे। तो यानी वो अपनी लुक एंड फील पे कोई काम नहीं करते, वो सारा काम अपने इंटेलेक्ट पे करते हैं। ठीक है, आप न्यूटन को देख लें, आपको कोई खूबसूरत हैंडसम पर्सन नहीं नज़र आएगा। तो अगर ये फाइव डायमेंशनल्स की अगर आप इक्वलेंट ग्रोथ किसी शख्स की देखना चाहें ना, मतलब आइमा मासूमीन और अम्बिया के अलावा, तो एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा वो कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना है। ठीक है, और वैसे ही तो आपको फिजिकली बड़े वीक नजर आएंगे, बट एक्चुअली इसको दूसरी सेंस में लोग देखते हैं कि ही वॉज हैंडसम ऑल हिज लाइफ, वेट कभी नहीं निकला था। अच्छा, फिजिकल डायमेंशन मतलब इस हद तक ज़बरदस्त, हाइट, वेट, एवरीथिंग परफेक्ट। इंटेलेक्चुअल डायमेंशन परफेक्शन की हद तक। मॉरल डायमेंशन मतलब जिसको कहते हैं ना अनक्रप्टेबल मैन। ठीक है, हर चीज़ लेवल। इमोशनल डायमेंशन मतलब जिसको कहते हैं बीवी छोड़ गई, बेटी को इवेंचुअली मतलब जो भी हुआ आग कर दिया, ये वो औलाद नहीं थी, पाकिस्तान बनाया, इन ऑल दिस डायमेंशन। ठीक है, कि इमोशनल एक इंसान की वो अटैचमेंट बहन के साथ, तो मतलब वो एक मतलब स्ट्रेंथ देखें आप बंदे की ना वहाँ पे। आप स्पिरिचुअल डायमेंशन उस भाई की देखें, क्वालिटी। ठीक है, वो लिंकन इन कॉलेज में जब गए लॉ के लिए,
अब वो यूके के अंदर कहते हैं दो लॉ के टॉप कॉलेजेस हैं, एक जिसमें महात्मा गांधी इस तरह के जो उनके वो नेहरू आई थिंक वो पढ़ के आए थे, तो वहाँ पे सारे इंडियंस जाके पढ़ते हैं, और लिंकलिन कॉलेज में सारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना के वैसे पाकिस्तानी वहाँ पे जाके बैरिस्टर्स बनते हैं सारे, वो लोग जाते हैं वहाँ। तो मतलब वो वहाँ क्यों गए जी? क्योंकि इस हट के मैंने वहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम एक टॉप पोर्ट्रेट में देखा था, और इस तरह से। एंड देन साइकोलॉजिकल डायमेंशन आप देखिए, आसाब इतने मजबूत, डिसीजन मेकिंग इतनी ज़बरदस्त, एंड मतलब उनका तो मैं हमेशा उनका फेवरेट कोट आप लोगों को बताता रहता हूँ, जो मेरा फेवरेट है उनकी तरफ से, कि आई डोंट टेक राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस एंड मेक देम राइट। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ मैन, दिस इज़ व्हाट इट इज़ गर्ल्स, कि इंसान की जो है ना डायमेंशन ऑफ ग्रोथ एट द सेम टाइम आप पांचों डायमेंशन में बेस्ट होने चाहिए। इट्स नॉट लाइक यार आपने कोई, अल्लाह माफ़ करे, सलाउद्दीन अयूबी नहीं बनना, आपने मोहम्मद बिन कासिम नहीं बनना, आपने कोई अब्दुल कदीर खान ही बन जाए यार, बेस्ट मैन आई टेल यू, रिसेंट हमारी कुछ डेकेड्स के अंदर आप ईदी साहब बन जाए, ठीक है? तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पीपल आर देयर अमंग अस एट दिस मोमेंट एज वेल, अभी भी हैं इस तरह के लिविंग लेजेंड्स भी हैं, मैं उनके नाम लेता फिर कॉन्ट्रोवर्सीज में आप सब पढ़ जाएंगे, हो सकता है आपकी उनके साथ किसी तरह की एफिलिएशन हो या ना हो, तो इसलिए मैं वेरी गुड क्वेश्चन। एक तो ये कि हम इस पे ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं, जब हमने डिसीजन मेकिंग की बात की थी इससे पहले हमने एक सेशन किया था, तो अगर वो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है वहाँ पे इसको देख लें। इन शॉर्ट इसको छोटा सा क्लू ये दूंगा कि इंसान की जो डिसीजन मेकिंग है ना वो बेस्ट होती है जब उसकी साइकोलॉजिकल डायमेंशन बेस्ट होती है, यानी एक इंसान की जब तक आसाब मजबूत नहीं है वो अच्छे डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता। दूसरी बात ये कि डिसीजन मेकिंग किसी भी इंसान की वो डिपेंडेंट होती है उसके अपने ब्रॉटअप पे, यानी अगर उसके ब्रॉटअप में फियर है और उसके ब्रॉटअप में थर्ड क्लास इंक्लिनेशन है, उसकी डिसीजन मेकिंग भी वैसे ही होगी, ठीक है? या एक इंसान जिस तरह के इन्वायरमेंट में जिस तरह की चीज़ों में रहता है और उसका एक जितना उसका स्पेक्ट्रम है उसके मुताबिक ही डिसीजन मेकिंग कर सकेगा। तो अगर आप एक अच्छे डिसीजन मेकर बनना चाहते हैं तो इसमें अच्छा बुरा नहीं होता, इसमें हर इंसान अपनी तरफ से तो अच्छा ही फैसला करता है ना, लेकिन होता ये है कि भाई उस इंसान का स्पेक्ट्रम कितना बड़ा है, उस इंसान का ब्रॉटअप कितना अच्छा है, उस इंसान के आसाब कितने मजबूत हैं, ठीक है? इसी तरह से उस इंसान वो मंझ कहते हैं ना अक्सर, ये इंसान बड़ा मंझा हुआ इंसान है, क्यों? मतलब क्योंकि वो उन सिचुएशन में से इतनी दफ़ा उसको जलील होके निकला हुआ है, वो इतनी दफ़ा इसको कहते हैं ना लोहे को कूट कूट के उसको इतना तैयार कर दिया गया है कि अब उसके लिए वो चीज़ स्ट्रेंथ बन चुकी है, कि अब उसको इस तरह के अब वो हैवी डिसीजंस ले ले तो फ़र्क नहीं पड़ता। यानी अगर तन्हाई में आपको चलना पड़े जब 1,000 का क्राउड एक तरफ और आप पे हंस रहा हो और आप उनके सामने खड़े हैं, तो क्या इसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ चाहिए ना, तो ये डिसीजन लेने के लिए भी हर कोई नहीं कर सकेगा। सो द पॉइंट इज़ कि अगर आप एक अच्छे डिसीजन मेकर बनना चाहते हैं तो फिर भी उसका कुलिया यही है कि आपकी डायमेंशन ऑफ ग्रोथ जो है ना वो आप फ़कत एक डायमेंशन में ना रहें, ठीक है? तो फिजिकल डायमेंशन में आप प्रॉपरली काम करें, इंटेलेक्चुअल में भी काम करें, अपना इमोशनल डायमेंशन में भी आप एक्टिव हों, ठीक है? अपनी मॉरल्स को भी ठीक रखें थ्रू स्पिरिचुअल डायमेंशन एंड योर साइकोलॉजिकल डायमेंशन एज वेल। सो दिस इज़ इट जी, अब आगे चलते हैं। और आज की फ्रीलांसिंग के हवाले से टिप ऑफ द डे जो है ना वो है कि आपने आज अपनी स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल और जो आपकी मॉरल डायमेंशन है इसको अगेन रिप्लेस कर ले अपनी इमोशनल डायमेंशन, इसके ऊपर आपने आज फोकस करना है अपना। और फिर आपने क्या करना है, आपने इस पे जो है ना मतलब कोशिश करनी है कि यार हर हफ्ते कम से कम 5 घंटे ज़रूर लगाने हैं तीन डायमेंशन पे, क्योंकि मुझे पता है कि हर इंसान ना बाकी दो डायमेंशन बहुत फोकस करता है, फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल ये कि आप देखें आप काम करने जा रहे हैं जॉब पे, वो आपके इंटेलेक्चुअल डायमेंशन में सारा काम है, एक्सपीरियंस काउंट होगा ना, आप पढ़ने जा रहे हैं इंटेलेक्चुअल डायमेंशन का काम है, आप ये सेशन ले रहे हैं ये भी इंटेलेक्चुअल डायमेंशन है, इसमें कोई स्पिरिचुअलिटी की बातें नहीं होती, बहुत कम थोड़ा बहुत टच होता है सिर्फ। तो इस तरह से आपकी साइकोलॉजिकल डायमेंशन मेरी बातों से शायद इतना मजबूत नहीं होंगी, वो आपके बाहर निकलने से और काम करने से और डिसीजंस लेने से और लोगों में बैठने से और सुनने से और आपके विजडम से इम्प्रूव होंगी, ठीक है? इस तरह से आपके अंदर जो मोरालिटी है वैसे नहीं आने वाली, वो भाई जो बंदा जब तक आप सख्त फैसले नहीं करते। हम तो आमतौर पर अपने वालदैन को भी सच हक की बात नहीं कर सकते, अपने बहन भाइयों को, अपने दाएँ भाई, अपने करीबी लोगों को, आप लोगों में इतना कॉन्फिडेंस आमतौर पर नहीं होता कि आपको कहा जाना कि अच्छा यार आज आपने खड़े होना है, आपने 10 लोगों को बताना है यार ये चीज़ ऐसे 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 ऐसे, आपके पहले जहन में आ जाएगा कि नहीं मेरे से तो नहीं होगा, मैं करूँगा तो लोग क्या सोचेंगे, मुझे शर्म आएगी, मैं कैसे कर सकता हूँ, ये तो हो ही नहीं पाएगा, आप नहीं कर सकते हैं। मैंने यहाँ बड़ी कोशिश की, मेरे साथ जितने बच्चे हैं ना मैंने उनको ये करने की कोशिश की, मैंने कहा अच्छा ठीक है आप सबको मैं टास्क देता हूँ, आपने क्या करना है, आपने एक चीज़ है उसके आपने अवेयरनेस कैंपेन करें,
वो समझ रहे थे शायद मैं उनसे अपना काम ले रहा हूँ, बट नॉनसेंस, नहीं हूँ मैं पैसे देके किसी इन्फ्लुएंसर से करा लूँगा, मुझे क्या पड़ी आपसे। तो देने का मकसद ये था कि यार देखते हैं बच्चे में कॉन्फिडेंस कितना है। तो यहाँ तो इस हद तक, यानी मेन मेंटेलिटी जब तक आपकी होती है तो आप अपनी इन डायमेंशन में ग्रो ही नहीं कर सकते। तो इसलिए ना आपको इस डायमेंशन में बड़ा, अगर आप यानी इंजॉय करना चाहते हैं और आप विन करना चाहते हैं दुनिया के अंदर, तो आपको एक तो इन ये जो स्टीरियोटाइप्स हैं इनसे बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक आप स्टीरियोटाइप से बाहर नहीं निकलेंगे आप कुछ नहीं अचीव कर सकते। दूसरा, आपको अपने आप को, अपने पैसे को, अपनी जान को, अपने वक्त को रिस्क में डालना पड़ेगा। आप अल्लाह के नाम लेके काम शुरू कर देंगे विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी एंड, और फिर आपको एंड्स मिलना खुद ब खुद शुरू हो जाएंगे। लेकिन आप तो मैंने देखा है कि यहाँ हम तो बड़े कैलकुलेटेड डिसीजन करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा मैं ये करूँगा तो इसके अगेंस्ट में ये चीज़ मिलेगी तो मैं स्टार्ट करूँगा, मैं स्टार्ट ही नहीं करूँगा। यानी ऐसे ही है, एक बंदा कहे कि मेरे पास गाड़ी आ गई है और मैं सिर्फ तब घर से बाहर निकालूंगा कि जब मुझे पूरे शहर के सिग्नल्स ग्रीन मिलेंगे। जब तक उनमें से 6-7 सिग्नल भी वो ग्रीन ना हो और मैं रश में फंसने का चांस हो, और हो सकता है मैं डेस्टिनेशन तक ना पहुंच सकूं, और हो सके कि मेरा पेट्रोल ख़त्म हो जाए, हो सकता है गाड़ी पंचर हो जाए, तो मैं गाड़ी ही नहीं निकालता। तो मतलब आपको कैसे लगेगा इस इंसान के बारे में सुन के और सोच के? आप में से अक्सरियत ऐसे ही हैं। आप अपनी कभी अपने आप को जब सोच के देखिएगा तो कैसे आप समझ सकते हैं कि आपके स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल, मॉरल ये डायमेंशन आपके विन होंगे, कि आप अपने डिसीजन मेकर अच्छे होंगे? नॉट एट ऑल। तो अगर आपने अच्छा डिसीजन मेकर बनना है, अगर आपने अपने डायमेंशन में इक्वली ग्रो करना है, आपको फुल टाइम बाहर निकल के ओपनली खेलना होगा। आपको अपने आप को रिस्क में डाल देना होगा। आपको अपनी एग्जिस्टेंस को इवन रिस्क में डालना पड़ेगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ताकि आप कुछ बन के निकलें। मैंने वो कहते हैं ना कि गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी जो है ना वो बेहतर होती है। तो ये हकीकत है कि जो इंसान आज़ाद इंसान के तौर पे ज़िंदगी गुजारता है और एक दिन भी जी ले तो वो उसका जीना जीना है। बाकी तो एवं घटिया बन रहे हो, क्या है बस एवं जलील हो रहे हैं, जलील कर रहे हैं साथ दूसरों को भी। आपने क्या करना है जी, होली बुक ओपन करनी है आपने जो है ना, रीड इट इफ़ यू अंडरस्टैंड अरेबिक, ठीक है? और फर्दर क्या है जी, अगर आपको नहीं तो आप उसकी ट्रांसलेशन ज़रूर पढ़ें, ठीक है? तो और क्या करें जी, फॉर 45 मिनट्स उसकी अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करें, ठीक है? वर्ड्स को फील करना है आपने, अल्लाह ताला की तरफ से कुछ आपको चीज़ें सीखने और समझने की तौफीक हासिल हो। किसी को स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप चैट में टाइप कर सकते हैं, ठीक है? अदरवाइज वी आर डन विद द सेशन। आई एम गोना क्लोज इट नाउ और सी यू ऑल टुमारो।